कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को शनिवार को मुंबई में एक अवार्ड नाइट शो में स्पॉट किया गया। वैसे तो इस नवविवाहित जोड़े ने एक साथ कोई पोज नहीं दिया, लेकिन दोनों ही अपने बेहतरीन आउटफिट में बहुत अच्छे लग रहे थे। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शनिवार को मुंबई में एक अवार्ड शो में डेट नाइट करने का फैसला लिया। इवेंट की तस्वीरों में कियारा एक चमकीली साड़ी में और सिद्धार्थ एक सूट में पेपराजी के लिए पोज देते हुए नजर आए। तो वहीं इसी बीच कुछ ऐसा देखा गया जिसे देखकर आप भी अपनी आंखों पर यकीन ना कर पाओ। दरअसल कियारा ने चमकीले पीले रंग की साड़ी पहनी थी और अपने बालों को लूज वेव्स में स्टाइल किया था। इवेंट में कैमरा चमकते ही वह पेपराजी के लिए मुस्कुराई, तो वहीं सिद्धार्थ ग्रे सूट और ब्लैक शर्ट में काफी हैंडसम लग रहे थे। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाई। ऐसा लग रहा है कि दोनों इवेंट के लिए अलग अलग पहुंचे हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग होकर अपनी अपनी तस्वीरें पेपराजी के सामने खिंचवाई। दोनों ने एक साथ एक भी तस्वीरें नहीं खिंचवाई। तो वहीं कियारा आडवाणी को पीले चमकीले रंग की साड़ी में देखा गया, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि कियारा आडवाणी शादीशुदा होने के बावजूद भी उनकी मांग में ना तो सिंदूर दिखा और ना ही गले में मंगलसूत्र, जो कि एक शादीशुदा लड़की के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दरअसल कियारा आडवाणी इस दौरान बहुत खूबसूरत तो लगी, लेकिन उनमें एक कमी यही रही कि उनके मांग में सिंदूर नहीं दिखा और ना ही गले में मंगलसूत्र। हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा की शादी इसी साल 7 फरवरी को हुई थी। वे जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में अपने दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में एक अत्यधिक सुरक्षित समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। कियारा और सिद्धार्थ ने अपने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इस खबर को साझा भी किया था। दोनों की शादी की तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, अब हमारी स्थायी बुकिंग हो गई है, हम अपनी यात्रा के लिए आपका आशीर्वाद और प्यार चाहते हैं। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों के लिए दिल्ली में और बाद में 12 फरवरी को मुंबई में एक रिसेप्शन की तैयारियां भी की। बता दें कि शेरशाह की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया था और यही प्यार का रिश्ता शादी तक जा पहुंचा और इन्होंने 7 फरवरी को इसी साल 2023 में शादी कर ली। लेकिन अब जब कियारा आडवाणी को अवार्ड नाइट की पार्टी में चमचमाती पीली साड़ी में देखा गया तो वह बेहद सुंदर नजर आई, लेकिन जब उनकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं दिखा तो ये चीज दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या किसी न्यूली वेड लड़की को बिना मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरे रहना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ बॉलीवुड की तमाम लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए।